ऑल अबाउट नेटवर्थ कैलकुलेशन. दिस इज पार्ट वन एंड देर इज पार्ट टू ऑल्सो. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच बोथ द वीडियोज टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ नेटवर्थ इज कैलकुलेटेड. मित्रों, आज के सेशन में हम नेटवर्थ कैलकुलेशन समझने वाले हैं. ये काम जो है, ये काम आपको तब करना होता है जब आपको लोन की जरूरत होती है. वेन एवर यू वॉन्ट टू अवेल एनी टाइप ऑफ लोन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे आस्क यूर नेटवर्थ सर्टिफिकेट एंड दिस सर्टिफिकेट इज टू बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसे प्रिपेयर कैसे करना, ये समझना दोनों के लिए जरूरी है. अकाउंटेंट्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए, दोनों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है हाउ दिस इज कैलकुलेटेड. एंड इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली. दो पार्ट में हमारा ये वीडियो है, आज का है पार्ट वन. तो चलिए बढ़ते आगे. व्हाट इज नेटवर्थ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज नेटवर्थ. नेटवर्थ में दो शब्द है, दो कौन से शब्द है, एक है नेट और दूसरा है वर्थ. तो व्हाट इज नेट एंड व्हाट इज वर्थ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. नेट ये जो शब्द है, ये सुन के आपको कुछ बातें तो क्लियर हो गई होगी. नेट मतलब इसमें एक चीज में से दूसरी चीज माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसे हम कहते हैं नेट. जैसे होता है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट. तो यहां पे भी ऐसा कुछ तो भी होने वाला है. तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है. हाउ नेट वर्थ इज कैलकुलेटेड, लेट अस अंडरस्टैंड. नेट वर्थ कैलकुलेशन करने के लिए ये नेट वर्थ दो कैटेगरी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह के लोगों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. एक है इंडिविजुअल्स के लिए. जब एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल जब आप कोई लोन एप्लीकेशन करते हैं तो आपको एज एन इंडिविजुअल आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होता है. और जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन कोई लोन एप्लीकेशन करते हैं तब वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना है और साथ में खुद का भी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स, ये जो भी है ओनर, इनका भी अलग से नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होता है. तो आज के इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे. हम अगले सेशन में हम बिजनेसेस की बात करने वाले हैं, बिजनेसेस की. तो आज का सेशन है फोकस्ड ऑन नेटवर्थ कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल्स. अब ये नेटवर्थ कैलकुलेशन में क्या होगा, इसमें दो पार्ट रहेंगे. एक पार्ट में से दूसरा पार्ट हम माइनस करेंगे. तो दो पार्ट कौन से होंगे, एक है एसेट, एक है लायबिलिटीज. तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ. अब ये इंडिविजुअल के केस में इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे. आपको एक स्टेटमेंट बनाना है खुद का. यहां पे आप स्टेटमेंट देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या है. सबसे पहले है कैश, आपके पास कैश बैलेंस कितना है. यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं. उदाहरण के तौर पे मान के चलिए ये आंकड़े है लाख में, रुपीज इन लैक्स है. तो कैश मेरे पास अभी फिलहाल कैश बैलेंस है 2 लाख रुपए का. ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट हमेशा एज ऑन पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट. तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पे मेरे पास 2 लाख रुपए कैश बैलेंस है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 लाख. बैंक बैलेंस मेरे पास कितना है, मेरे पास 1, 2, 3 जो भी बैंक अकाउंट होंगे, तो वो बैंक अकाउंट में मैं बैंक स्टेटमेंट लेके आऊंगा और वहां से देखूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है. तो सब मिला के मेरा बैंक बैलेंस आ गया 8 लाख रुपए. उसके बाद मेरे पास एक प्लॉट है जो कि मैंने पहले से खरीद के रखा है, उसका वैल्यूएशन कितना है, जिस दिन लिया था उस दिन की कॉस्ट नहीं, आज का वैल्यूएशन मैं लिखूंगा. उसके लिए हो सकता है आपको किसी वैल्यूअर का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना पड़े आपके नेटवर्थ स्टेटमेंट के साथ में. तो वैल्यूअर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसे अटैच करना पड़ेगा. तो ये प्लॉट है मेरा 1,20,00,000 रुपए का. उसके बाद मेरा खुद का घर जो कि लोन फ्री है, अगर उसके ऊपर लोन होगा तो लोन को भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन लोन फ्री अगर घर है आपका तो नेट वर्थ में आपकी वैल्यू कैलकुलेशन में बढ़ जाएगी.
तो मेरा घर जिसका वैल्यूएशन है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, वो फिक्स डिपॉजिट मेरे 30 लाख के है। उसके बाद मैंने शेयर्स खरीद के रखे कंपनी के, उसका आज का मार्केट प्राइस 15 लाख रुपए है। म्यूचुअल फंड में मेरा और कुछ पैसा है 20 लाख रुपए, और मेरे पास एक गाड़ी है, कार है, उसकी कीमत आज 10 लाख रुपए हो सकती है, एक गाड़ी दो गाड़ी जो भी होगा। तो ऐसा सब मिला के मेरे पास जो एसेट्स है वो एसेट्स है 385 लैक्स के, 3 करोड़ 85 लाख के। नेटवर्थ स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है एसेट वाला, दूसरा पार्ट हम भी डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट है लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज में देखिए मेरे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज है। एक है होम लोन 80 लाख रुपए का, तो अगर ये मेरा होम लोन नहीं होता तो मेरा नेटवर्थ 80 लाख से बढ़ जाता। दूसरा है मेरे पास व्हीकल लोन जो कि 8 लाख का, पर्सनल लोन है 1 लाख रुपए का। तो सब मिला के मेरे पास जो लायबिलिटीज है वो है 89 लाख की। अब ये 89 लाख जो है, ये 89 लाख मेरे माइनस हो गए एसेट की वैल्यू से। सो नेटवर्थ इज इक्वल टू 385 माइनस 89 इज इक्वल टू 296 लाख। सो माई नेटवर्थ इज रुपीज 2 लाख 2 करोड़ 96 लाख एट दिस मोमेंट। इट मे चेंज आफ्टर सम टाइम, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये नेटवर्थ मेरा चेंज हो सकता है। अब इसमें मैंने ज्वेलरी कंसिडर नहीं किया है, कुछ कुछ केसेस में ज्वेलरी गोल्ड अगर आपके पास में है तो वो भी यहां पे एसेट साइड पे कंसिडर जरूर होगा। मित्रों ये नेटवर्थ स्टेटमेंट इस तरह से बनाया जाता है, और ये नेटवर्क जो है ये बैंक वाले लोग हमेशा चेक करेंगे आपका। इसको आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवा के लेना पड़ेगा, और ये नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर आपको लोन मिलने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सारे आपके चेक किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ में ये नेटवर्क स्टेटमेंट भी आपका जरूर चेक किया जाएगा। दिस नेटवर्क स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन दिस फॉर्मेट फॉर इंडिविजुअल्स। नाउ मैं आपको एक और बात बता दूं, हम अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज कंडक्ट करते हैं। इसमें अभी तक हमने 112 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग फैकल्टीज, टॉप मोस्ट फैकल्टीज इसमें आती है। जैसे कि टॉपिक्स हमारे होते हैं अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्सेल, टैली, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लाइव सेशंस होता है, आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। ये लिंक मैं रजिस्ट्रेशन बॉक्स में मैं दे चुका हूं, आप रजिस्ट्रेशन बॉक्स में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर कीजिए और मुझसे जुड़िए लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।